नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैंडर स्टॉक्स में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होगा। इंटरडे स्टॉक तो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए प्लीज सुनिएगा आप ही लोगों के फायदे के लिए। आप लोग हमेशा इसकी सुनते हो, उसकी सुनते हो, आप किस में कर रहे हो, आप किस में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा हर वीडियोज में कहता हूँ आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है दोस्तों, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो आपके खुद के एनालिसिस के हो, चाहे किसी का भी हो, सिर्फ एक ट्रेड पे फोकस कीजिए, ठीक है। कैश में ट्रेड कीजिए। आप MIS में जो कैश में ट्रेड कर रहे हो वो MIS में ही है, ठीक है, एवरी गुड, लेकिन आपको उतने पैसे में ही करना है। स्मॉल क्वांटिटी रहेंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स होंगे, अच्छी बात है, लेकिन लॉसेस, हमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस पे फोकस करना है कि लॉसेस हमें ज्यादा ना हो डे ट्रेड में, अगर हमें डे ट्रेडिंग करना है तो। और दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लोगों को कितने सारे शेयर्स दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट एंड बेस्ट मैं अपनी मेहनत से ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो सब शेयर्स भी मिले जो अभी भी मार्केट में अछूते हैं। हम जैसे छोटे रिटेलर्स से उसका आप लोग फायदा उठाइए, लीजिए। आप जैसे मेरे कई शेयर्स थे आज के डेट में देखिए, रफीला इंटरनेशनल, फिर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया था लिंडे, फिर हो गया लिंडे इंडिया, फिर BML, रेमंड, गॉडफ्रे, सब तो अच्छे कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते इन सब में? लॉन्ग टर्म के लिए मैं जो शेयर्स दे रहा हूँ कोई आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप लोग खुद, ठीक है यार, आप लोग खुद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद आप करो आगे उसमें जो करना आपको, जैसे जैसे मैंने जो रूल्स, देखिए मार्केट में और लाइफ में रूल्स होना बहुत जरूरी है। रूल्स अगर नहीं आप अपनाओगे तो लाइफ में भी डिग्रेड आ जाएगा, आप भटक जाओगे और मार्केट में भी आप भटक जाओगे। एट द एंड मार्केट को गाली देके निकलोगे कि ये सट्टा बाजार है, इसमें कुछ नहीं करना, फालतू का चीज़ हम जा रहे हैं भाई, अपना दूसरा काम करेंगे। ऐसा नहीं है, रूल में फोकस करो। मैं हमेशा से रूल में आप लोगों को कहता हूँ कि जो रूल्स बनाया कि नेवर डू ओवर ट्रेड, एक ट्रेड लेना, कोई भी एक लेना, एक ट्रेड लेना, अपना जो भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो वो स्ट्रैटेजी पर आप फोकस रखिए, उस पर उसका स्टॉप लॉस जो है आप स्टॉप लॉस तक देखिए। स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए तो आपका बैलेंस्ड लॉस होगा और प्रॉफिट भी होगा, तो बैलेंस्ड प्रॉफिट होगा। उसमें कैसे क्या करना, आज का जो ट्रेड दिया था शायद अच्छा दिया है, क्योंकि देखिए मेरे तरफ से अगर मैं खुद कहूँ अपने ट्रेड के अनुसार तो इट वॉज द बेस्ट ट्रेड, लेकिन आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए खराब हुआ, बहुतों के लिए बेकार भी हुआ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हो दोस्तों? फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपना जो दिया मैंने सही दिया, स्ट्रैटेजी सही दिए थे। अगर स्ट्रैटेजी पे चलने के बाद, रूल्स में फॉलो करने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मैं सही था। रूल्स पे चलेंगे तो हफ्ता में 5 दिन ट्रेड होता है, 5 में से सिर्फ 1 दिन लॉसेस होंगे। अगर रूल्स के अनुसार नहीं चलेंगे तो हफ्ता में आपका 5 दिन में से 4 दिन लॉसेस होंगे या फिर 3 दिन लॉसेस होंगे, 2 दिन तुक्के में निकल जाएंगे। तो तुक्का क्यों करना है दोस्तों, अच्छे से करना है, शांत तरीके से करना है, और हमेशा जो कहता हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, रूल्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इधर उधर की बातें ना सुने, अपना एक जगह फोकस रखिए। तो चलिए कल का स्टॉक है मेरे वही पोर्टफोलियो, जो इंटरडे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में से यही है, टाटा स्टील। टाटा स्टील आपको बाई करना है दोस्तों अबोव 985, आपको टाटा स्टील बाई करना है अबोव 985, आपका मिनिमम टारगेट है 989, यू हैव टू बाई अबोव टाटा स्टील 985 एंड योर मिनिमम टारगेट इज 989 एंड यू हैव टू शॉर्ट सेल टाटा स्टील बिलो 972 एंड शॉर्ट सेल टारगेट इज, मिनिमम टारगेट इज 968। आपको टाटा स्टील बाई करना है 985 के ऊपर बाई करना है और 989 इसका मिनिमम टारगेट है, और शॉर्ट सेल करना है आपको 972 के नीचे, आपका मिनिमम टारगेट है 968। इसमें आप स्टॉप लॉस रखिएगा ये दोस्तों 8 से 9 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखिएगा, और जो मैं मिनिमम इसमें आप रिस्क और रिवार्ड रेशियो को मत देखिएगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ और सोच के ये सब मैं जो लॉस का मैं दे रहा हूँ। और दोस्तों मेरे साथ अगर आप बने रहेंगे तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कंसिस्टेंट प्लेयर कैसे होना है। तुक तक छक्का मार दिया, पूरा धूमधाम खेला, आउट होके चले गए, ऐसा नहीं हूं मैं सिंपल तरीके से, शॉर्ट, शांत तरीके से, कूल माइंडेडली स्ट्रोक धीरे धीरे खेलने वाला प्लेयर हूं। तो अगर आपको ऐसा बनना है तो मेरे साथ टिके रहिए, और अगर आपको रातों रात बनना है तो दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। थैंक यू।